यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए बनाई जा रही है, जो एनसीईआरटी बुक से ली गई है। चैप्टर का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण और प्रश्नावली 3.6 से ये पहले का 8वां सवाल है। पहले का 8वां सवाल देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है और काफ़ी कठिन लग रहा है, तो बिल्कुल इससे डरना नहीं और इसको दो चर में रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन के शुरुआत में दिया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में परिवर्तित करके हल कीजिए। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, इसको पहले रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर आइडिया लगाना पड़ेगा। देखना है कि यहाँ पर 1/3x+y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है 1/3x+y, यानी जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पहले समीकरण में वही चीज़ आपको दूसरे समीकरण में भी दिखाई दे रहा है। तो यानी यदि इसको हम लोग a मान लें, 1/3x+y बराबर मान लें स्मॉल a, और 1/3x-y को मान लें स्मॉल b, तो यहाँ पर हम रख देंगे क्या, a रख देंगे प्लस यहाँ पर क्या रख देंगे, b रख देंगे, बराबर होगा 3/4 के, बराबर होगा 3/4 के, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से यहाँ पे आ जाए तो 1/ इतना को मानेंगे आप a, आपने मान लिया है a, और ये 2/2 है तो इसको लिखना पड़ेगा 2/2 माइनस 1/ इतना को मान लेंगे b, ये हो जाएगा b/2 इक्वल टू माइनस 1/8। तो यहाँ a और b के नीचे 2 और 2 है तो इसका लघुत्तम यदि हम लेंगे ये हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू माइनस 1/8। तो 2 से 8 काट दिया जाएगा, 2 से हम 8 को काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b बराबर 2 × 2, 2 × 8 यानी -1/4। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 बहुत ही आसान समीकरण हो गया है। यदि इसको विलोपन विधि से हल करें तो बहुत जल्दी इसे a और b का मान आ जाएगा, तो विलोपन विधि से ही हम लोग इसे हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू -3/4 और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू -1/4 जोड़ेंगे हम, यहाँ पर लिखना है जोड़ने पर यहाँ पर प्लस भी माइनस भी कट जाएगा, a और a जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 3/4 में जुड़ेगा -1/4, तो 4 लघुत्तम बराबर ही है तो 3 में से 1 घट जाएगा, आएगा 2, यानी 2a इक्वल टू 2/4। ये 2 से 2 काट दीजिए आप, ये 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा आपका a बराबर, ये ऊपर वाला कट जाएगा तो 1 बचेगा 1/4, a का मान आ गया 1/4। तो a का मान यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख दें यहाँ पर तो b का मान आ जाएगा। तो यहीं पर बगल में हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या, a प्लस बी इक्वल टू 3/4, a की जगह पर 1/4 आ रहा है, प्लस b इक्वल टू 3/4, तो b इक्वल टू होगा 3/4 -1/4, तो b इक्वल टू होने वाला है 3 में से 1 घट जाएगा 2/4, काट देंगे 1/2 आएगा, यानी b का मान 1/2 और a का मान 1/4। तो अभी इस सवाल का आंसर नहीं आया क्योंकि हमको निकालना था x और y का मान, हमने निकाला a और b का मान। तो अब a की जगह पर a का वैल्यू रख देते हैं, a की जगह पर a का मान 1/3x+y और यहाँ पर b की जगह पर b का मान 1/3x-y, तो रख दिया जाए 1/3x+y बराबर 1/4, 3 गुणा कर लीजिए 3x+y
इक्वल टू 4 × 1 = 4, ये समीकरण नंबर 3 हुआ। और यहाँ पर बी का मान रखिए 1/3x - y बराबर कितना, 1/2। तिरेक गुणा करिए 3x - y बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा। ये हुआ समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को यदि हम जोड़ दें तो y और y कट जाएगा। इसको फिर से आप विलोपन विधि से हल करेंगे समीकरण 3 और 4 को। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर तो जोड़ लिया जाए, पहले 3x + y = 4, यहाँ आ जाएगा 3x - y = 2। जोड़ेंगे हम जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे जब तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, 3x 3x हो जाएगा 6x, 4 × 2 = 6, x = 6/6, x = 1। तो x का मान 1 समीकरण 3 में या 4 में हम रखें, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 3 में चाहे 4 में। हाँ, लेकिन 1 और 2 में नहीं रखेंगे। क्यों 1 और 2 में नहीं रखेंगे, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि 1 और 2 में a और b दिया हुआ है और 3 और 4 में x और y दिया हुआ है, तो x का मान उसी समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण में x दिया हो। तो समीकरण 3 में रखते हैं x का मान, समीकरण 3 में x = 1 रखने पर, तो यहाँ पर है 3x + y = 4, 3 × 1 + y = 4, तो y = 4 और 3 × 3 दाहिने पक्ष में जाएगा तो -3, तो y = आ गया 4 में 3 घट गया 1, अतः x का मान आया 1 और y का मान आया 1, यही दोनों इसका आंसर है। तो ये सवाल काफ़ी बड़ा था लेकिन बहुत ही अच्छा था और बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आएगा, कम से कम 6 नंबर का आएगा। तो आप इस सवाल को नज़रअंदाज न करें, कम से कम 3 बार 4 बार अभ्यास करें, सुबह से लेकर शाम तक 2-2 घंटे के अंतराल पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो ये बड़ा सवाल आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। अब अगले वीडियो में हम इबारती प्रश्न बताएंगे, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसा कि इबारती प्रश्न दिया हुआ है, ये ऋतु धारक के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारक के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का सवाल अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।